मदन की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पुलाव। पुलाव बनाने के लिए मैंने एक कप ये चावल ले रखे हैं, मैंने बासमती वाले चावल लिए हुए हैं। अब हम इनको एक बॉल में डाल के धुल लेंगे। तीन से चार पानी से हम इसे इन चावलों को अच्छे से धुलेंगे। मैंने ये चावल तीन पानी में अच्छे से धुल लिया है। आप पुलाव बनाने के लिए बासमती राइस ही ले। अब हम इनको पानी डाल के थोड़ी देर के लिए भीगने के लिए रख देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए। हम पुलाव आज कुकर में बनाएंगे। गैस को ऑन कर दिया, इस पे मैंने एक कुकर रखा हुआ है। अब हम कुकर में तेल डाल देंगे। तेल को हम अच्छे से गरम करेंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे। दो कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। तीन से चार लौंग डाल देंगे। अब हम इसमें ये काजू डाल देंगे। मैंने थोड़ी सी हरी मटर ली हुई है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इस तरह से आप पुलाव बनाएंगे तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये पुलाव। 10 मिनट हो गए चावलों को भीगते हुए। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। पानी मैंने निकाल दिया है चावलों का। एक चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे पिसा हुआ। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हम चावल नहीं चलाएंगे क्योंकि नहीं तो ये टूट जाएंगे। मैंने एक कप चावल लिए हुए थे तो इसमें एक से डेढ़ कप ही पानी डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालें। अब हम कुकर पे ढक्कन को बंद कर देंगे। हम हाई फ्लेम में एक सीटी लगाएंगे, उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। एक सीटी लग चुकी है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। जब सीटी निकल जाएगी अच्छे से तब हम कुकर को खोलेंगे। गैस की सीटी अच्छे से निकल गई, ये देखिए ये। अब हम कुकर के ढक्कन को खोलेंगे। ये देखिए कितने अच्छे पुलाव बन के तैयार हो गए हैं। चावल भी एकदम खिले खिले से हैं, ये देखिए। चावलों को हमेशा साइड से इस तरह से चेक करना चाहिए। ये देखिए कितने अच्छा पुलाव है। मैंने 1.5 कप पानी डाला हुआ था। आपके चावलों पर डिपेंड करता है, आप 2 कप भी डाल सकते हैं पानी। देखिए मटर भी अच्छे से पक गई है, सभी चावल भी एकदम खिले खिले से हैं। अब हम पुलाव को एक प्लेट में निकाल लेंगे। काजू और मटर का पुलाव बनाइए इसी तरह से, ये पुलाव बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और बनाना भी बहुत आसान है। कितना अच्छा लग रहा है पुलाव।
आप इसे दाल के साथ या राजमा के साथ, छोले के साथ, पनीर के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये पुलाव खाने में। प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए।